बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम वाइट क्रीमी गार्लिक के साथ चिकन बनाने लगे हैं, तो आएँ आप भी हमारे साथ मिलके बनाते हैं। चिकन मैरिनेट करने के लिए एक चम्मच काली मिर्च, एक चम्मच पेपरिको, एक चम्मच लहसुन का पाउडर और आधी चम्मच ओरिगानो। और आधी ही चम्मच नमक। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा मैरिनेशन तैयार हो गया है। अब इसे हम चिकन पर लगाएंगे। ज़्यादातर लोग ब्रेस्ट पीसेस लेते हैं चिकन के, लेकिन मैं चिकन थाइस ले रही हूँ, इसमें मैं बना रही हूँ। ठीक है, इसमें भी ज़बरदस्त बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब सारा मसाला हम अच्छे से चिकन को लगा देंगे, सब पीसेस को अच्छे से लगा देंगे। मसाला लगाने के बाद हमने इसे आधा घंटा रख देना है साइड पे। आधे घंटे बाद पैन में ऑलिव ऑयल डालेंगे। जो हमने चिकन आधे घंटे पहले मसाला लगा के रखा हुआ था, उसको हम फ्राई करेंगे। हमने आंच धीमी करके इसको दोनों तरफ से पकाना है। इसको हमने डार्क ब्राउन नहीं करना है, लेकिन इतना पकाना है कि ये 75% पक जाए। तकरीबन 5 से 6 मिनट बाद हम इसको अब पलट देंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त रंग आ गया। इससे ज़्यादा रंग हमें नहीं चाहिए, दोनों साइड से इसी तरह का रंग आना चाहिए इसमें, और साथ ही गल जाए, इसलिए आंच हम धीमी रखेंगे। चिकन हमारा तैयार हो गया, इसको अब हम निकाल के साइड पे रख देंगे और जो पैन में थोड़ा ऑयल है उसको हम कम कर देंगे। ऑयल मैंने कम कर दिया। अब इसमें एक चम्मच में मक्खन का डालूंगी और उसे अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें ऑयल में। दो अदद प्याज मैंने बारीक चॉप करके रखे हुए थे, वो इसमें हम ऐड कर देंगे और उसको सौते करेंगे। हमने प्याज को रंग नहीं देना, सिर्फ सौते करना है। जब प्याज में से खुशबू आने लगे तो उसमें मैंने 8 से 9 अदद लहसुन के जोए जो हैं चॉप करके रखे हुए थे, वो इसमें हम ऐड कर देंगे और इनको भी सौते करेंगे जब तक इसमें से खुशबू नहीं आती। हमने कोई रंग नहीं देना है, सिर्फ इसको सौते करना है हल्का सा, ताकि इसमें खुशबू आ जाए। जब प्याज और लहसुन की खुशबू आने लगे तब इसमें हम आधा कप पानी ऐड कर देंगे। ये हमारी अच्छी से सॉस तैयार हो जाएगी। इसे अभी हम तकरीबन 5 मिनट तक धीमी आंच पे पकाएंगे। ये देखें ज़बरदस्त सॉस तैयार हो गई है। अब इसमें जो हमने फ्राई किया हुआ था उसमें जो मसाला था वो इसमें मिक्स हो गया है। अब ये अच्छे से बॉईल हो गई है, घनी हो गई है। अब इसमें जो चिकन है हमने जो फ्राई करके रखे हुए थे वो इसमें रख देंगे और इसको हम ढक के रख देंगे मीडियम आंच पे तकरीबन 5 मिनट तक। हमने पहले चिकन 75% पकाया हुआ था, अब इसको जब हम स्टीम देंगे सॉस में तो ये टोटली पूरी पक जाएगी। तो इसलिए अब क्योंकि जब हम सॉस इसमें ऐड करेंगे तब इसके पास टाइम नहीं होगा इतना पकने का, तो हमने इसी सॉस में इसको गलाना है। अब चिकन हमारी बिल्कुल तैयार है। अब इसमें हम 1 कप फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। 5 मिनट तक धीमी आंच पे इसको हम
पकाएंगे। ये देखें ये थोड़ी सी थिक हो गई है। अब इसमें हम हाफ कप चीज़ डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आंच हमने मीडियम ही रखनी है, तेज़ नहीं करनी, क्योंकि चिकन हमारा पका हुआ है, हम सिर्फ सॉस तैयार कर रहे हैं। चीज़ जैसे ही मेल्ट हुई है, ये देखें इसकी कितनी घनी सॉस तैयार हो गई है। अब इसमें हम ऐड करेंगे ओरिगैनो आधी चम्मच और काली मिर्च, नमक हसबे जायका पहले ऐड किया हुआ है हम लोगों ने, टेस्ट के हिसाब से अगर ज़रूरत होगी तो और ऐड करेंगे। अब एक दफ़ा और हम चिकन को पलट देंगे ताकि सॉस अच्छे से इस पर लग जाए। इस प्रोसेस में हमने आंच बिल्कुल धीमी रखनी है, लाइट रखनी है, और उस पर इसको हमने पकाना है। तकरीबन 10 सेकंड बाद हमारी डिश बिल्कुल तैयार है। क्रीमी गार्लिक सॉस वाइट चिकन ज़बरदस्त किस्म की तैयार है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे यकीन है आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। चलें जी, हमें तो भूख लगी है, हम तो खाने चले हैं, आएँ आप भी हमारे साथ। बिस्मिल्लाह करें, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।